नमस्कार राजेश सर, क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में केमिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पाउली का अपवर्जन नियम क्या है, इस बात की चर्चा होगी। तो देखिए पाउलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सन 1925 में वाल्फगंग पाउली ने सर्वप्रथम परमाणुओं के विभिन्न कोषों ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों के भरने से संबंधित एक नियम दिया, जिसे पाउली का अपवर्जन नियम कहते हैं। सन 1925 में वाल्फगंग पाउली ने सर्वप्रथम परमाणुओं के विभिन्न कोषों, जो ऊर्जा स्तर होते हैं, में इलेक्ट्रॉनों के भरने से संबंधित एक नियम दिया, जिसे पाउली का अपवर्जन नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी परमाणु में उपस्थित कोई दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता। किसी भी परमाणु में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या का मान एक समान नहीं हो सकता। अर्थात यदि किसी भी परमाणु में कोई दो इलेक्ट्रॉनों अर्थात यदि किसी भी परमाणु में कोई दो इलेक्ट्रॉनों की तीन क्वांटम संख्याओं के मान समान हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चौथी क्वांटम संख्या का मान अवश्य ही अलग होगा। यानी हम किसी भी परमाणु के दो इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, यदि उसकी तीन क्वांटम संख्याएँ, मुख्य क्वांटम संख्या है, दिगंशी क्वांटम संख्या है, स्पिन क्वांटम संख्या, ये समान है, तो चौथी क्वांटम संख्या अवश्य ही अलग होगी। अहम उदाहरण के तौर पर यहाँ लेते हैं हीलियम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2। तो देखिए हीलियम के लिए पाउली का अपवर्जन नियम, क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, और यहाँ आप प्रथम इलेक्ट्रॉन के देखिए मुख्य क्वांटम संख्या क्या है, एक है। दिगंशी क्वांटम संख्या जो जीरो से शुरू होती है और एन तक जाती है, दिगंशी क्वांटम संख्या जीरो। चुंबकीय क्वांटम संख्या जो माइनस एल से प्लस एल तक जाती है, तो वो भी जीरो होगा। चक्रण क्वांटम संख्या प्लस हाफ होगा। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए मुख्य क्वांटम संख्या एक, दिगंशी क्वांटम संख्या शून्य, चुंबकीय क्वांटम संख्या शून्य, चक्रण क्वांटम संख्या माइनस एक बटा दो। तो हम यहाँ देख रहे हैं हीलियम का जो परमाणु है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 है, उसका जो क्वांटम संख्याएं हैं तीन तो समान है, लेकिन चौथी क्वांटम संख्या है यानी स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, अलग है। तो इस प्रकार ये है पाउली का अपवर्जन नियम। नमस्कार।